जय बोलिए पंच परमेश भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। महान परिचय जय 108 सुपार्श सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न 105 चिंतनमती माता जी की जय। छुलिका माता जी 105 सुश्रयमती माता जी की जय। आप सबको जय जिनेंद्र। श्री आदि महावीर कीर्ति विमल सन्मति सुपार्श गुरु भय नमः। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के लघुनंदन। महान परिचय जयी अध्यात्म योगी चर्यावान मुनि श्री सुपार्श सागर जी महाराज जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका श्रेय परम पूज्य आर्यका रत्न 105 चिंतनमती माता जी को जाता है। उनकी कड़ी मेहनत वो लगन से एवं उनकी ही प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम कराने का भाव जागा है। तो आइए अपन चलते हैं इस कार्यक्रम की तरफ। अद्भुत और निराला था जिनका हर काम, सारे जग से प्यारी थी जिनकी एक मुस्कान। हम तो है बालक छोटे से और नादान, क्या संभव है कर पाना गुरुवर का गुणगान। वास्तव में सही ही है, ऐसे उत्कृष्ट चर्या और तपस्या के धनी अनिवर्चनीय व्यक्तित्व वाले साधक सन्मार्ग दिवाकर एवं हम सबकी प्रेरणा के स्रोत महान परिचय जयी परम पूज्य मुनि श्री 108 सुपार्श सागर जी महाराज जी का गुणगान करना शब्दों में संभव नहीं है। उनके एवं परम पूज्य आर्य का श्री 105 चिंतनमती माता जी एवं पूज्य छुल्ली का श्री 105 सुश्रयमती माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से उनकी शिष्या बाल ब्रह्मचारिणी रंगोली जैन ने उनके इस महान व्यक्तित्व को एक किताब के रूप में संकलन करने का छोटा सा प्रयास किया है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के पावन अवसर पर, उनकी चरण स्थापना के पावन उपलक्ष पर उन्हीं की रचना की हुई किताब का संकलन हम लोग करने जा रहे हैं। और जीवनचर्या महान परिचय जयी आप सबके सन्मुख रख रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं उनकी जीवन गाथा की तरफ। आज है 16 तारीख, त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप सबके सन्मुख रख रहे हैं। 16 तारीख कल, 17 तारीख कल है उनके चरण पादुका स्थापना दिवस और 18 तारीख समापन दिवस। तो आप और हम 3 दिन तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम देखने के लिए आप सब चलिएगा श्रवण बेलगोला। तो चलिए मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मंगलाचरण से करते हैं। ओम परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरम् वज्रपंजराभं स्मराम्यहम्। परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरम् वज्रपंजराभं स्मराम्यहम्। ओम परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरम् वज्रपंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितं। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटमं वरम्। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितं।
वर्षातिशायिनी ओम नमो उवच्छायाणम् आयुधम् हस्तयोर्दृढम् साहूणम् मोचके पादयो शुभे देशो पंच नमुकारो शीला वज्रमयी तले सव्वेसिं खादिरांगार खातिका स्वाहातं च पदं गेयं पढ़मं हवै मंगलं वप्रो परिवज्रमयं विधान देह रक्षणे यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टिपदैः सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन गुरु तुझको नमन है मेरा गुरु तुझको नमन है मेरा तू ज्ञान का दर्पण है तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है गुरु तुझको नमन है मेरा तू ज्ञान का दर्पण है तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है गुरु तुझको नमन है मेरा तोड़े बंधन छोड़े तज के क्षणों में सुख के सहारे रिश्ते तोड़े बंधन छोड़े तज के क्षणों में सुख के सहारे
नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु के लिए सजे परिशा कितने समय केवल ज्ञान के पथ को तेरा नमोस्तु गुरुवर केवल ज्ञान के पथ को तेरा जीवन नमोस्तु गुरुदेव नमस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुदेव। गुरु की महिमा का जितना भी बखान किया जाए कम होता है। गुरु समाज के नींव होते हैं, गुरु भविष्य के निर्माता होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्य नमः। सबिराचार्य 108 से संभव सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार मेरा नमस्तु। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करें। गुरुदेव की जय। मैंने सुना अभी प्रदीप जैन ने हमको बोला कि सुपाश सागर महाराज समाधि हो गए था, आज उनका पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम उनको आशीर्वाद दिया था पहले, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी वो पर भाव में भी मुनि बन करके विशेष तपस्या करके अपना आत्मा को परमात्मा बनने की साधना में लग जाए आगे, ऐसी भावना से आश्रम देता हूँ। और माता जी कौन है, माता जी धनवंतरी को भी मेरा आशीर्वाद है कि वो इसी मार्ग में विशेष तपस्या करते हुए चेलिंग चित करके धर्म ध्यान में लीन रहे, आगे देव बन करके विशेष धर्म ध्यान करे, ऐसी भावना से चिंतन माता जी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और सुभाष सागर महाराज को भी मैं बार बार आशीर्वाद देता हूँ, उनका आत्मा आगे धर्म साधना में उन्नति को प्राप्त हो गए। आर्य करत्न 105 चिंतनमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप अपने श्रीमुख से अमृत वर्षा करें। नमो नमो भगवान की जय। जीवनी देवान देव खजेश बाहुबली भगवान की जय। परम पुज बसमठ आचार्य भगवान सरमती सागर जी महाराज की जय। परम पुज आचार्य भगवान शिक्षक श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। परम पुज समाधिस्थ मुनि 108 श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। द्वादशानु जी वाणी माता की जय। भव्य स्नेह भव्य आत्मा आज का यह दिन परम पूज्य मुनि श्री 108 सुपार्श्व सागर जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परम पूज्य मुनि श्री सुपार्श्व सागर जी महाराज दीक्षा महाराष्ट्र प्रांत के जुनोनी ग्राम में सन 2007 दिनांक 7 दिनांक 1 जून को हुई थी। दीक्षा के भाव अचानक ही बने, जैसे कि बताया था कि ग्रस्त अवस्था में भी उन्होंने किसी प्रकार का त्याग संयम नियम अपने जीवन में पालन नहीं किया था, लेकिन भाव थे। ऐसे ही दीक्षा भी जैसे चतुर्थ काल में देखी जाती थी, सुनी जाती थी, अनायास अचानक ही दीक्षा हो जाती थी, वैसे ही उस महान आत्मा ने अचानक ही, कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन अचानक ही उन महान संत तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे और दीक्षा के भाव बन गए और तुरंत दीक्षा हो गई। एलक दीक्षा नहीं, शुल्लक दीक्षा नहीं, कोई ब्रह्मचारी का व्रत नहीं, कोई प्रतिमाओं के व्रत नहीं, सीधी डायरेक्ट उन पंच महाव्रतों का संस्कार, व्रतों का आरोपण पूज्य गुरुदेव ने उनके ऊपर किया। जैसे ही उनको वह पंच महाव्रतों के संस्कार मिले,
उसी क्षण उसी घड़ी से उन्होंने अपनी संयम की साधना बढ़ा दी, अपने चारित्र को बढ़ा दिया और गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने दिखा दिया। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य उन्हें अधिक समय का नहीं मिल पाया, मात्र 3 साल का ही समय उन्हें गुरु चरणों में रहने के लिए मिला, लेकिन उन 3 सालों में उन्होंने उस 30 साल की साधना को अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर सीख लिया, समझ लिया और अपने आचरण में उसको अंगीकार कर लिया। सन 2010 में पूज्य गुरुदेव का वियोग हुआ और उसके बाद जब आचार्य महाराज की समाधि होने के बाद हम लोग संघ में पहुंचे, तभी परम पूज्य मुनि सुपार्श सागर जी महाराज आचार्य श्री सुंदर सागर जी के साथ समय शिखर यात्रा के लिए निकले, तभी से मैं भी उनके साथ में थी और बिहार करते हुए हम लोग रतलाम पहुंचे। 2011 का चतुर्मास हम लोगों ने रतलाम में किया, वहीं से परम पूज्य मुनि श्री ने अष्टानिका महापर्व के व्रतों को करना शुरू कर दिया। उसी भूमि से उन्होंने अपने चारित्र को, अपने संयम को, अपनी तपस्या को वृद्धिगत किया था और चतुर्मास समापन होने के बाद हम लोग समय शिखर के लिए निकले, समय शिखर की यात्रा करी और यात्रा करके जैसे ही हम लोग आगे की यात्रा के लिए निकले कि उन्हें एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया और वह बीमारी बढ़ती गई, लेकिन उस बीमारी के अंदर भी जैसे ही पता चला, उस बीमारी का उपचार किया, लेकिन बीमारी का उपचार हो नहीं पाया। पूज्य गुरुदेव ने समय शिखर की 111 वंदनाएं की, वंदना करके पंच पहाड़ी की वंदना के लिए हम लोग निकले। पंच पहाड़ी की वंदना करके हम लोग कोलकाता आए। कोलकाता आने के बाद वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, देखा तो लोगों ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य मुनि श्री ने अपने विचारों में, अपने भावों में किसी प्रकार का शिथिलताचार नहीं लाया। वह अडिग रहे, वह दृढ़ रहे, अपनी साधना में लगे रहे, उपचार होता रहा, लेकिन कोई निजात नहीं मिला। उन्हीं परम पूज्य मुनि श्री सुपार्श सागर जी के चरणों में मेरी यही विनयांजलि समर्पित कि जिस तरह उन्होंने अपनी साधना को किया निर्विकल्प पूर्वक, मुझे भी यही आशीष दें कि मैं भी इसी प्रकार से अपनी साधना को करते हुए अपनी संवेकना पूर्वक समाधि मरण करूं। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आर्य करत्न 105 चिंतनमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप अपने श्रीमुख से अमृत वर्षा करें। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेश भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। 108 मुनि श्री सुपार्श सागर जी महाराज की जय। आज के दिन आचार्य श्री सुपार्श सागर जी महाराज जी ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर दिया था, ऐसे आज प्रथम पुण्यतिथि पर ऐसे असहनीय वेदना को सहन करने वाले, ऐसे परीक्षा को सहन करने वाले जो भक्ति मार्ग के पथिक थे, स्नेह और सद्भावना के पावन प्रतीक ऐसे सुपार्श सागर जी महाराज जी के चरणों में जो त्याग तपस्या से जो जग में जिनका नाम था, ऐसे तपस्वी सुपार्श सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रणाम करते हुए हम सुपार्श सागर जी महाराज जी की आत्मा जहाँ पर हो, मैं विशेष उन आत्मा को प्रणाम नमन वंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी आत्मा ने ये नश्वर शरीर के साथ में रहकर जो साधना किया है, उस साधना विशेष सराहनीय रही है। उस साधना के अंतर्गत असाता कर्म का ऐसा तीव्र उदय आते हुए भी आपने अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं किया है, ऐसी चर्या हमारे जीवन में भी आए और आपने ये चर्या को करते हुए जगत को दिखाया कि असाता वेदने के समय भी हमारे आत्म बल पूर्वक
हमारे पुरुषार्थ पूर्वक हम अपनी साधना में रत रहकर हम समाधि की साधना कर सकते हैं। ऐसे आपने अपनी चर्या के माध्यम से सबको दिखाया और आपके साथ में रहने वाली हमारी 105 आरिका चैतन्यमती चिंतनमती माता जी के माध्यम से आपका विशेष अनुग्रह के साथ में उन्होंने आपकी बहुत ही वैयावृत्ति किया, समाज को लेकर चली और आज आपके प्रथम पुण्यतिथि पर श्रवण मेलगोला में आपके आशीर्वाद से वो आपके चरण विराजमान करने जा रही हैं, एक विशेष सराहनीय बात है। तो आप तो हर दिल में बस गए हैं क्योंकि आपने कलकत्ता में 5-6 साल रह करके भक्तों को ये बताया कि भगवान की भक्ति किस तरह की जाती है और किस तरह से साधना की जाती है। ये आपने अपने ज्ञान तपस्या चारित्र के माध्यम से आपने सबको एक शिक्षा दी है। आपकी शिक्षा हमारे जीवन में भी हम ग्रहण करें, चाहे कैसा भी असहनीय अशांत वेदने भी आ जाए तो भी हमने अपनी साधना में दृढ़ रहना है, ये आपने हमें शिक्षा दी है। तो आपकी ये प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे सुपाश सागर जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनकी आत्मा पुनः मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय को धारण करके मुनि दीक्षा धारण करके कठिन से कठिन तपस्या करके कर्मों की निजरा करके उनकी आत्मा शीघ्र से शीघ्र परमात्मा पद को धारण करे, सिद्ध पद को प्राप्त करे, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में हम 108 मुनिराज सुपाश सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन वंदन नमोस्तु करते हुए आपके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हो मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भी समाधि पूर्वक मरण करके आगे पुरुष पर्याय को धारण करके कठिन तपस्या धारण करके मैं भी अपनी आत्मा को सिद्ध पद को प्राप्त करूं। ऐसे आपके चरणों में रहने वाली 105 आरिका चिंतनमती माता जी के चरणों में भी मेरा शत शत बार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी आप भी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, समाज में सब पर कल्याणकारी बने, इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में हम आज प्रथम पुण्यतिथि पर सुपाश सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु वंदन करते हैं। नमोस्तु भगवान। इस कार्य में जिन्होंने सबसे ज्यादा सहयोग किया है वह है पूज्य जगतगुरु करम योगी स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी जी। जब माता जी आचार्य श्री 108 वासु पूज्य सागर जी की पुण्यतिथि पर उनके चरण छत्र के दर्शन करने गई तभी उनको वहां से भाव आया कि क्यों ना महाराज जी की भी यहीं पर चरण छत्री बनवाई जाए। फिर उन्होंने सोचा कि इस कार्य के लिए भट्टारक स्वामी जी की आज्ञा लेनी होगी और उन्होंने भट्टारक स्वामी जी के सामने अपनी बात कही। भट्टारक स्वामी जी सहर्ष अपनी अनुमति दिए थी। बिना किसी रुकावट के स्वामी जी के पूर्ण योगदान और सहयोग से यह कार्य हो रहा है और हम सबके सामने ये चरण छत्री के रूप में साकार हो रहा है। स्वामी जी पूर्ण रूप से गुरु माँ के प्रति समर्पित, उनकी गुरु भक्ति तो देखने को बनती है। बड़े ही सहज और सरल और मधुर स्वभावी स्वामी जी अपनी साधना में हमेशा रत रहते हैं और आज ये स्वामी जी की सहयोग के कारण ही मुनिश्री 108 सुपार्श सागर जी महाराज जी की चरण छत्री बन के तैयार है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप सबके सन्मुख हम लोग लेकर आए हैं। 18 तारीख आप सबके सन्मुख विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे संगीत सम्राट। आप सबके सन्मुख एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कलाकार वो आ रहे हैं सबके लिए 18 तारीख की शाम को। जैन समाज में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो रुपेश जी के गीत को नहीं गुनगुनाए होंगे। रुपेश जी हम सब के बीच में आ रहे हैं 18 तारीख शाम को अपनी मधुर कंठ से मधुर भजन लेकर और गुरुदेव 108 सुपार्श सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करेंगे रुपेश जी 18 तारीख शाम को। देखना ना भूलें, जरूर से जरूर देखें क्योंकि वाकई ही बहुत ही बहुत सुंदर उन्होंने गीतों की रचना की है। तो चलिए आप सबको मैं लेके चलती हूँ महान परिचय जयी 108 मुनिश्री सुपार्श सागर जी महाराज जी की जीवन परिचय की तरफ। इस पुस्तक की रचयिता है बाल ब्रह्मचारिणी रंगोली दीदी कोलकाता से। उन्होंने
अपने विनयांजलि के रूप में इस पुस्तक को अर्पित किया है गुरुदेव के चरणों में, और माता जी की प्रेरणा और आज्ञा से इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। चलिए अपन चलते हैं जीवन परिचय की तरफ। पूर्व नाम श्री अनिल कुमार जी जैन, माता का नाम श्रीमती त्रिशला देवी जी जैन, पिता का नाम श्री सतीश चंद्र जी जैन, जन्म तिथि भाद्रवदी तीज 11/8/1968 रविवार प्रातः 3:15, जन्मस्थान एटा उत्तर प्रदेश, भाई बहन 3, बड़े भाई 4 बहनें, दीक्षा गुरु तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री इक्ष्वाक सन्मति सागर जी महाराज, दीक्षा नाम परम पूज्य मुनि श्री इक्ष्वाक सुपार्श सागर जी महाराज, दीक्षा तिथि द्वितीय ज्येष्ठ वदी एकम पूर्णिमा 1/6/2007 प्रातः 9:10, स्थान जुनौनी जिला सांगली महाराष्ट्र, दीक्षा काल 12 वर्ष 6 मास, समाधि तिथि कार्तिक शुक्ल तीज 30/10/2019, समाधि स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उपवन मंदिर जी बेलगछिया कोलकाता। व्रत साधना, व्रत पुण्य अष्टार्णिका व्रत 5 वर्षों तक, मुक्तावली रत्नावली कवल चंद्रायन जिन गुण संपत्ति नमोकार मंत्र चारित्र शुद्धि एवं श्रुत स्कंद व्रत चल रहा था। उपवास दीक्षा काल में कुल 950 उपवास एवं 112 नीरस, विशेष साधना आजीवन अन्य त्याग 2016 से, रस परित्याग 4 रस दही घी मीठा तेल का आजीवन का त्याग, यात्राएं श्री सम्मेत शिखर जी पहाड़ की लगातार 111 वंदनाएं, 2012 में पंच पहाड़ी उदयगिरी एवं खंडगिरी के दर्शन चातुर्मास, 2007 उदगांव, 2008 उदगांव, 2009 इछलकरंजी, 2010 कोल्हापुर, 2011 रतलाम, 2012 सम्मेद शिखर जी, 2013 कोडरमा, 2014 से 2019 बेलगछिया कोलकाता। दीक्षाएं समाधिरस्त मुनि श्री 108 सुनय सागर जी महाराज, समाधिरस्त मुनि श्री 108 पार्श सागर जी महाराज और छुल्लिका श्री 105 सुश्रय मती माता जी। बढ़ते रोग के कारण सन 2014 से लेकर 2018 तक सारे चातुर्मास मुनिश्री के बेलगछिया मंदिर जी में हुए। दाएं पैर के अंगूठे से जो रोग प्रारंभ हुआ था वो धीरे धीरे सारे अंगों को अपनी लपेट में लेते हुए बढ़ता जा रहा था। रोग ने पहले दोनों पैरों की शक्ति को खत्म कर दिया, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को, तत्पश्चात कमर तक पहुंच गया एवं बिना सहारे मुनिश्री को बैठना भी मुश्किल हो गया। उनके बाद में गर्दन तक पहुंचा और धीरे धीरे गले में भी जाना प्रारंभ हो गया, जिसके लिए मुनिश्री को आहार लेना भी मुश्किल हो गया। अंत मुनिश्री का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मुनिश्री हमेशा हंसते रहते थे। मुनिश्री को बहुत अच्छा लगता था कि सब लोग धूमधाम से भगवान की भक्ति करें एवं सम्यक दृष्टि की वृद्धि हो, इसीलिए मुनिश्री मंदिर जी के प्रांगण में हमेशा कोई ना कोई विधान करवाने की प्रेरणा देते रहते थे, और मुनिश्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से कुछ ना कुछ विधान हर वक्त मंदिर जी में होता ही रहता था। इसके साथ कई बड़े बड़े विधान भी कोलकाता में रचा और वो एक इतिहास बन गया। सभी विधान बड़ी धूमधाम से संपन्न हुए एवं लोगों में धर्म के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई। तत्पश्चात सन 2019 में मुनिश्री ने 48 दिवसीय भक्तामर विधान करवाने की प्रेरणा दी। इस विधान ने तो जैसे कोलकाता के बच्चे बच्चे को धर्म से जोड़ दिया। इससे प्रतिदिन प्रातः नियमित अभिषेक शांति धारा पूजन के पश्चात भक्तामर विधान होता था। 48 दिन तक पूरे रात दिन अनवरत भक्तामर स्तोत्र का पाठ चलता था।
इस विधान की विशाल रूपरेखा एवं कोलकाता में समाज दूर दूर होने की वजह से पहले इसके आयोजन के लिए विरोध भी हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद एवं दृढ़ संकल्प ऐसा था कि वो विधान बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कोलकाता के एक एक व्यक्ति ने अपनी अनुकूलता अनुसार इस आयोजन का लाभ लिया। पूरे 48 दिन का विधान बहुत सफलता के साथ पूर्ण हुआ। प्रत्येक व्यक्ति आपसे आकर यही बोलता था, भगवान ऐसा नजारा कोलकाता में तो पहली बार देखा है। आपने जिस तरह से भक्तामर स्तोत्र का एक एक अर्घ चढ़वाया था, अष्ट प्रातिहारियों की विशेषता को समझाया और भगवान की भक्ति करना सिखाया, वो अद्भुत है। धन्य है इतनी शारीरिक तकलीफ में भी ऐसी धर्म प्रभावना करना। तो आइए हम और आप मिलकर चलते हैं वही भक्तामर स्तोत्र और विधान की तरफ। जय 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 श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ। दर्शन दीजिए आदिनाथ, दुखड़ा हरिए आदिनाथ, दर्शन दीजिए आदिनाथ, दुखड़ा हरिए आदिनाथ। मेरे प्यारे आदिनाथ, सबके प्यारे आदिनाथ, मेरे प्यारे आदिनाथ, सबके प्यारे आदिनाथ। रोम रोम में आदिनाथ, सांस सांस में आदिनाथ, रोम रोम में आदिनाथ, सांस सांस में आदिनाथ। अणु अणु में आदिनाथ, परमाणु में आदिनाथ, कर्म मिटावे आदिनाथ, मोक्ष दिलावे आदिनाथ, कर्म मिटावे आदिनाथ, मोक्ष दिलावे आदिनाथ। हृदय हृदय में आदिनाथ, होठ होठ में आदिनाथ, पाली तणा में आदिनाथ, राणकपुर में आदिनाथ, पाली तणा में आदिनाथ, राणकपुर में आदिनाथ। ओम नमो अरिहंताणम्। अष्टापद में आदिनाथ, अयोध्या में आदिनाथ, अष्टापद में आदिनाथ, अयोध्या में आदिनाथ। भाईखाला में आदिनाथ, बालकेश्वर में आदिनाथ, भाईखाला में आदिनाथ, बालकेश्वर में आदिनाथ। कंगड़ा जी में आदिनाथ, कुलपक जी में आदिनाथ, कंगड़ा जी में आदिनाथ। ओम नमो अरिहंताणम्। बेलवाड़ा में आदिनाथ, मोहन खेड़ा में आदिनाथ, बद्रीनाथ में आदिनाथ, ऋषिकेश में आदिनाथ, ॐ नमो अरिहंताणम्। यहाँ वहाँ पे आदिनाथ, हर जगह पे आदिनाथ, देव बोले आदिनाथ, दानव बोले आदिनाथ, श्रावक बोले आदिनाथ, श्राविका बोले आदिनाथ, श्रावक बोले आदिनाथ, श्राविका बोले आदिनाथ। ओम नमो अरिहंताणम्।
साधु बोले आदिनाथ, साधवि बोले आदिनाथ, श्रीपाल बोले आदिनाथ, मैणा बोले आदिनाथ, शालीभद्र बोले आदिनाथ, तन्नाशा बोले आदिनाथ, श्रेणिक बोले आदिनाथ, पुण्यो बोले आदिनाथ, यात्रा करते आदिनाथ, धुन मचाते आदिनाथ, पूजा करते आदिनाथ, भक्ति करते आदिनाथ, प्रेम से बोलो आदिनाथ, भाव से बोलो आदिनाथ, ओम नमो हरिहंताणम। सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुच्यतमतिर्विगतत्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाध्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्
कल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारु चाम्रकलिका निकरैक हेतु संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्ट तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहनात्मसमं करोति भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतितुग्धसिन्धो क्षारम् जलं जलनिधेरसि तुं क इच्छेत् यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्
पुत्रं पते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् त्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरम् चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् शर्वरीषु शशिनानि विवस्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारणं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्
दैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचैव दिक् जनयति पुरदंशुजालम् वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलन्तमस परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलम् प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् आतासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि भ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय भ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय ओ विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः
त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उच्चच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार चैस्तटं सुरगिरेरिवशात् कौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग स्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मन्दार सुन्दर न मेरु सुपारि जात सन्तानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वच सान्ततिर्वा प्रभावलय भूरिविभावि भोस्ते लोकत्रयत्य
द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति रोद्यद्दिवाकर निरन्तरभूरि संख्या दीप्याजयत्यपि निशामपि सोम सौम्या वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पदुस्त्रिलोक्याम् दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः नित्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभकुम्भगलदुज् ज्वलशोणितात् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्निकल्पम् तावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत् शेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्पणमापतन्तम्
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस पन्नामनागदमनीरिदियस्य पुंसः वल्कत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीना उच्यत् दिवाकरमयूख शिखापवित्थम् कीर्तनात्तमैवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्भो निधौ क्षुधित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ भयतोल्वण वाड वाग्नो रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजरजो मृत दिक्त देहाः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्नि गड़कोटिनि घृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजास्मरंतः सत्यस् स्वयं विगत बंध भया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारी धीमहोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं धियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते स्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्य
सहस्रम तम्मान तुंगमावशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमावशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमावशा समुपैति लक्ष्मी का कार्यक्रम। कल हम सब मुनि श्री सुपार्श सागर जी महाराज जी की जीवन चरित्र के ऊपर लघु नाटिका देखेंगे और परसों है समापन दिवस यानी कि 18 तारीख। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप सबके सम्मुख में लेके आ रही हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखना मत भूलिएगा कल का एपिसोड और परसों का एपिसोड, क्योंकि ये थ्री एपिसोड हम लोगों ने बनाया है आज कल और परसों। जय जिनेंद्र।